मंडलायुक्त सभागार में निपुण भारत की अभियान की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि अपने प्रदेश को सबसे अच्छा बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना होगा और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। इस दौरान उन्होंने निपुण भारत के कार्यों के प्रस्तुतिकरण को भी देखा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निपुण भारत के लक्ष्य को 100% पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के गतिविधियों जैसे ऑपरेशन कायाकल्प, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण और नामांकन के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देने का भी निर्देश देते हुए कक्षाओं में स्मार्ट कक्षा के लिए कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में डायट का विशेष योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि RBSK की टीमें नियमित रूप से विद्यालयों में जाकर बच्चों का जांच करें। इस अवसर पर रमेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, अगर हमारे मन में कहीं से भी थोड़ी सी भी चूक है, कहीं से कोई कमी है, तो हमारे निरीक्षक का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो एडवर्स जाता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो कैडर है हम लोगों का, ये टीचरों का ट्रांसफर का, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बेनिफिट मिलता है, तो उनको जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। सर कहीं ना कहीं ये भी जहाँ एकल विद्यालय है, अगर वहाँ दो लेडीज है तो सर एक दो साल में वो खाली हो जाता है। सर ये भी एक इशू आता है बीच बीच में कि टीचरों का अभाव हो जाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी नया खुला है सर, तो हम लोगों को भी टीचर वहाँ मिले नहीं, हम लोग अटैच करके टीचर वहाँ काम कर रहे हैं। ये कहते हैं सर, इसमें तो मेरा तो मत दूसरा बनने लगा सर कि इस चीज़ का निराकरण करने के लिए सर हम जब टीचर रेगुलर हों और 40% हमारे मानदेय जैसे जो टीचर हों जो लोकली हों, तभी हम इसकी प्रतिपूर्ति कर पाएंगे, नहीं तो ये गैप बना रहेगा सर। और ये गैप जो है, चूंकि ये सबके साथ जुड़ा हुआ है सर, ये BSA है, अगर इनको इंटीरियर में जाना है तो ये ट्रांसफर के लिए कोशिश करते हैं, टीचर है इंटीरियर, तो मैं समझता हूँ उस एरिया का जब तक टीचर नहीं होगा सर। सुमोरा बुजुर्ग सर आप देख रहे होंगे कि वो एकदम बंधा के किनारे सर जा कर के अंदर है, और सर पहली बार हमारा स्कूल खुला, ठीक से चला दें तो 1000 से 1500 बच्चे हो जाएंगे। 1000 से 1500 बच्चे होने का मतलब बड़ा क्लियर सा है कि रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और डिमांड हमारी ऐसे ही क्षेत्रों में होगी जहां पर कि हमारे स्कूल अभी तक नहीं थे, या जहां पर शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा। जहां पर शिक्षा का प्रतिशत बढ़ गया वहां के तो लोग अपने आप शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जहां शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा वहीं हमें जाना है। और वहां जब जाना है तो सर कहीं कहीं हमको, अगर हम प्रेफर टीचर रखेंगे और स्टेट लेवल से सिलेक्शन करेंगे और इतने हाई मेरिट के लोगों को लेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी सर। हाँ मैंने प्रभाव लिया है वैसे सेवा से, मैं सर 12-13 साल से जुड़ा बेसिक से। सर मुझे लगता है कि मौलिक समस्या सर संसाधन की नहीं है,